पता नहीं मऊ आते आते तक कहने लगे कि गठबंधन की सरकार बनने जा रही है और अभी आजमगढ़ शायद नहीं आए हैं। और आजमगढ़ इसलिए नहीं आए कि वो जानते हैं 10 की 10 सीटें साइकिल के संग जाने वाली हैं, इसलिए आपसे पहले ही उन्होंने किनारा कर लिया। पता नहीं आएंगे कि नहीं आएंगे, लेकिन किनारा कर लिया उन्होंने। और मैंने तो केवल एक बात कही, ये चुनाव है उत्तर प्रदेश के भविष्य का, और जब उत्तर प्रदेश के भविष्य तय होना है तो कहीं ना कहीं जनता का भी भविष्य उसी से जुड़ा हुआ है। इसलिए मैंने प्रधानमंत्री जी बीजेपी के लोगों से कहा कि कम से कम जहां कार्यक्रम हो आपका, जिस जिले में कार्यक्रम हो, कम से कम ये बता करके जाएं कि उनकी सरकारों ने और उनके लोगों ने क्या जनता के लिए फैसला लिया है। और 3 साल गुजर गए, कोई फैसला बताने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा। और मैं कहना चाहता हूं, बताओ आजमगढ़ में अगर कोई एक काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार में बड़ा काम हुआ हो तो बता दो आप। कोई काम नहीं। बगल का मऊ है, हमने जानना चाहा कि आखिरकार मऊ में कौन सा काम किया होगा। गोरखपुर, वहां भी पूछा मैंने। खैर आजमगढ़ के लोग तो जानते हैं बिजली जितनी हम दे सकते हैं दे रहे हैं, लेकिन बाबा के लिए मैंने कहा, बाबा एक बाबा थे, उन्होंने कहा कि गोरखपुर में बिजली नहीं आ रही है। मैंने वहां पर कहा कि हमने तो पुराने बाबा लोग देखे हैं, कभी कभी हाथ पे आग रख लेते थे, उनका हाथ नहीं जलता था। और अगर बाबा को देखनी है बिजली आ रही कि नहीं आ रही तो किसी तार को छू लो, अपने आप पता लग जाएगा बिजली आ रही कि नहीं आ रही। और अभी प्रधानमंत्री कह के गए, हालांकि मैं प्रधानमंत्री जी के लिए कुछ नहीं कहूंगा, उन्होंने ये आरोप लगाया कि जहां जहां चुनाव हो गया है वहां अब बिजली नहीं आ रही है। हम तो कहते हैं कि पहले चरण में कहीं पता कर लें, और फिर आजमगढ़ से ज्यादा अच्छा कौन जानता होगा कि चुनाव रहा होगा नहीं रहा होगा। बिजली देने का काम समाजवादी लोगों ने किया है, और फिर बिजली में भी भेदभाव किया। उन्होंने कहा, बीजेपी के लोग कहने लगे कि हमने रमजान पे ज्यादा बिजली दी है, दिवाली पे कम बिजली दी है। मैंने आंकड़े निकलवाए और उनको जवाब दिया प्रेस के सामने, कहा कि समाजवादी लोग कभी भेदभाव नहीं करते, और अगर हमने रमजान पे बिजली दी तो दिवाली पे भी दी, होली पे भी दी, और अगर क्रिसमस आया तो उस पे भी सबसे ज्यादा बिजली देने का काम किया। खैर हमारे गांव में तो कभी कभी सच बुलवाने के लिए हम लोग गंगा मैया की कसम खिलवाते हैं, पता नहीं आजमगढ़ में किसकी कसम खिलवाते होंगे। आपके यहां भी गंगा मैया की कसम खिलवाते हैं? तो याद करो, प्रधानमंत्री जब गए बनारस काशी तो कहने लगे कि हमें गंगा मैया ने बुलवाया है, गंगा मैया की वजह से तो जीत गए। हम तो उन्हें कहते हैं बिजली के सवाल पर कि प्रधानमंत्री जी खाएं गंगा मैया की कसम कि 24 घंटे बिजली काशी में समाजवादी लोग दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं। और फिर हमें और आपको सबको लाइन में लगा दिया,